हाय एवरीवन, रिगार्डिंग दिस इज़ रिगार्डिंग द कोर्सेज, दो कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं और बच्चों को बहुत डाउट हो रही है। बच्चों के डाउट को क्लियर करने के लिए, स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये लाइव आया कि भाई मैं बता दूं कि क्या चीज़ें हैं, ये दो कोर्स है क्या। तो जो दोस्तों मैंने दो कोर्स लॉन्च किए हैं, वो दो कोर्स, एक तो 55 डेज़ वाला है और एक कोर्स है 10 डेज़ वाला, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स जो है ना दोस्तों, ये दोनों कोर्स पेड है। पहली बात तो ये पेड है, क्योंकि देखो पेड इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि मैं एफर्ट डालता हूँ तो मैं भी अपनी रिम्यूनरेशन देखूँगा। क्या मैं, मुझे नहीं देखना चाहिए क्या? बिल्कुल देखना चाहिए, आप समझ सकते हो। तो वो पेड कोर्सेज हैं, जैसे कि 55 डेज वाले के लिए 1500 रुपये लेता हूँ, बट 1-to-1 ये एफर्ट है। मैं आपको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रख के मैं आपको टास्क देता हूँ, टास्क को कम्प्लीट करवाता हूँ। नहीं करते हो तो मैं फॉलो करता हूँ, पूछता हूँ, ऊपर से प्रेशर भी देता हूँ। प्रेशर बहुत ज़रूरी है, अगर आपको प्रेशर नहीं मिलेगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं। आप सोचोगे कि भैया ये तो प्रेशर ही नहीं है, ऐसे ही निकाल दोगे, आप पे करके भी पढ़ोगे नहीं। तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है, मैंने आपसे पैसे लिए हैं अगर, तो मैं उस कोर्स को कम्प्लीट करवाऊँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इसलिए पैसे मैं लेता हूँ। तो 55 दिन के लिए 30-30 रुपये लेता हूँ लगभग, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो 55 × 30 करोगे तो मोर देन ये आपको 1600 से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 55 दिन वाला प्लान मैं उन लोगों के लिए रखा हूँ जो कि चाहते हैं कि भाई तैयारी धीरे धीरे करी जाए और आराम से करी जाए, 55 दिन में पूरा जीके जीएस इंक्लूडिंग साइंस कंप्लीट मैं कर लूँ। तो 55 डेज का प्लान मैं लेके आया। दूसरा प्लान मैं लेके आया कि भाई 10 दिन में, अगर किसी का शॉर्ट टर्म में एग्ज़ाम है, मान लो आज आपने सोचा और 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो ये भी प्लान मेरे पास है, मैंने डिसाइड कर रखा है। और ऐसे प्लान नहीं बनते, प्लान बनाने के लिए मुझे खुद 3 दिन लगा था, ठीक है। क्योंकि मैं सोचा, देखा आपके सिलेबस को, देखा ओवरऑल, देखा कि भाई ये SSC के लिए सही है कि नहीं, ये वन लाइनर एग्ज़ाम जो भी स्टेट के होते हैं उनके लिए सही है कि नहीं। ये सभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया, ओवरऑल GK GS के लिए बनाया कि भाई आपको अगर कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज से फ़ायदा मिले। तो मैंने इतना रिसर्च करके बनाया कि भाई उसमें मैंने वन लाइनर भी ऐड किए, मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किए, तमाम ऐसी सीरीज मैंने उसमें डाल दी कि आपको बेनिफिट मिले। अपने कंट्रोल में मैंने स्टडी करानी है, इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ में, 10 डेज वाले के लिए चार्ज करता हूँ। तो आप, और कई लोग पूछते हैं कि सर हर दिन देना है क्या 50-50 रुपये? नहीं भाई, डायरेक्ट देना है, एक बार देना है। मेरे अंडर में रहोगे तो मैं तो आपको करवाऊँगा ही करवाऊँगा, आप कुछ भी सोचो, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो आपको इतना ज़रूर करवा दूंगा कि भाई आप कितने भी बचने की कोशिश करो, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं मैसेज करने लगता हूँ, कॉल करने लगता हूँ, सीधी सी बात है, सामने आके बोल रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं रखना है कि भाई कोर्स नहीं कम्प्लीट होगा, मैं खुद कंसर्न रहता हूँ। एक मैंने रजिस्टर रख रखा है, जो भी ज्वाइन किया, जैसे पे किया, ज्वाइन कर लिया, उसका नाम दर्ज हो जाता है, मोबाइल नंबर दर्ज हो जाता है, भाई आपने करनी ही करनी है, ठीक है। आपने पैसे दिए, अपने पैसे का हक ले जाओ मेरे से, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आपको, ठीक है। मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो पढ़ा के ही मानूँगा, वैसा टीचर हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है इस कोर्स दो प्लान कर रखे। तो डाउट मत रखिए कि सर इतना देना है क्या। कई लोग ये सोचते हैं कि टीचर का, मैं ये नहीं कहूँगा कि हक मार लो, यार देखो तुम स्टूडेंट हो तो मैं भी तो टीचर हूँ, मैं भी तो एफर्ट डाल रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए क्लासेस तैयार करता हूँ, और इतना सोचता हूँ कि हाँ मेरे से जो बच्चा जुड़े वो प्रॉपर क्लास लेके जाए मेरे से प्रॉपर। और मैं एक बार का नहीं हूँ, जैसे मेरे पास कम से कम अभी तक 100 से ज़्यादा लोग कोर्स ले चुके हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है, इससे ज़्यादा हैं। तो ये लोग जो भी जुड़ते हैं बाद में भी मैसेज करते हैं कि सर अब बताओ अब मैं क्या करूँ, तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि भैया कब एग्ज़ाम है, क्या है, पूछता हूँ, पूरा बात करता हूँ उनसे और उनको हेल्प करता हूँ। सो दीज क्लासेस आर, दीज जो कोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जिसको जुड़ना है, क्लियर बोल रहा हूँ, ये 1-to-1 है। अच्छा, एक चीज़ और डाउट रहती है, सर क्लासेस के ऐप पे आएंगे क्या, होंगे रिकॉर्डेड हैं कैसे हैं? तो मैं बता दूँ कि ये ऐप पे नहीं आते हैं, क्योंकि मेरा चैनल है छोटा, ठीक है। मैंने ऐप नहीं बनवाया अभी तक, ऐप बनवाने में शायद 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं और मैं अभी इतना एबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अर्निंग नहीं है, मैं ये सोशल सर्विस ही कर रहा हूँ, बेयर मिनिमम आपसे फ़ी लेता हूँ। तो मैं क्या है, मैं जो भी मुझसे जुड़ता है, मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, उसको मैं डायरेक्ट मैं लिंक देता हूँ वीडियोस का,
डायरेक्ट लिंक देता हूँ, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे दे दूँगा। अगर आप टेलीग्राम पे चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे दे सकता हूँ, ठीक है, देता हूँ, वहाँ पे देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे दिया है मैंने, तो बिल्कुल क्लियर है कि 1-to-1 है, ये तो और अच्छा है। ऐप में तो आपको टीचर सामने दिखेगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे, आप बताओ, कई सारे आपने कोर्स लिए होंगे, वहाँ ऐप पे पढ़ गया भाई, ये पढ़ना है, आपने उस दिन पढ़ लिया, ठीक बात है, कोई फॉलो कर रहा है क्या, नहीं पढ़ा, कोई पूछ रहा है क्या, मैं तो पूछता हूँ, मैं तो अपने बच्चे को पकड़ के रखता हूँ, भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलने दूंगा, जुड़े हो तो पढ़ाऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जुड़े हो तो पढ़ाऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ अ रियलिटी, ठीक है। जब तक आपको प्रेशर नहीं पड़ता है तो बहुत लोग मोटिवेट, हाईली मोटिवेटेड कहाँ मिलेंगे आपको, 100 में से 2 बंदा मिलेगा कि भाई खुद से कर ले, टीचर को एफर्ट ही नहीं डालना पड़े, टीचर को एफर्ट डालना पड़ता है 98 केसेस में, आप ध्यान रखो। मेरे पास हाँ अभी तक मेरा 100 का एक्सपीरियंस है, तो उसमें एक आधा बच्चे ऐसे भी मिले हैं कि खुद पूछने लगते, एक दिन 10 मिनट डिले हुआ वीडियो डालने में, तो बच्चा पूछने लगे, सर आज की वीडियो नहीं आई, अगर दे रहा हूँ भाई कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो, 5 मिनट 10 मिनट कोई बात नहीं, बट ऐसे बच्चे मुझे पसंद हैं जो कि टीचर का काम आसान कर दें, खुद ही मोटिवेटेड है, गाइड ही करना है बस उनको, डायरेक्शन दिखानी है, काफ़ी अच्छा रहता है। सो कोर्सेज के बारे में सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, अगर फिर भी डाउट आपको आता है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो जो भी कोर्स से जुड़ोगे, अगर आप 2 महीने का प्लान बना रहे हो कि 2 महीने में मुझे धीरे धीरे सीखना है, तो धीरे धीरे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, 5 से 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ सकते मत जुड़ो, मैं बता देता हूँ, डीमोटिवेटेड आदमी हो मत जुड़ो, मुझे चाहिए मोटिवेटेड बंदा, नहीं होगा तो मैं ज़बरदस्ती मोटिवेटेड बनाऊँगा, ठीक है। तो मोटिवेटेड बंदे मुझे पसंद हैं, हाईली जो है मोटिवेटेड हैं, जिनको मैं ट्यून कर सकूँ, जिनको मैं अच्छा डायरेक्शन दे सकूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी एफर्ट डाल के ये कोर्सेज बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, ताकि उन कोर्सेज को मीट किया जा सके। आपको मास्टर वीडियोज़ मिलती हैं, तो आपको जो है एफर्ट डालना पड़ेगा, वो एफर्ट आप ही डालोगे, मैं आपकी जगह नहीं पढ़ सकता भाई, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कोई भी टीचर वर्ल्ड में आपकी जगह नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, आपकी जगह कोई भी टीचर नहीं पढ़ सकता है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, और आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको ज़रूरत होगी तो ज़रूर पढ़ोगे। अगर आप सोचते हो कि भाई 5 पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं, 10 वर्षीय योजना बना लेते हैं, तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, आप सीरियस ही नहीं हो, नहीं पढ़ोगे, मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई, आप नहीं पढ़ोगे तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये बंदे की मेंटेलिटी कैसी है, पढ़ना पड़ता है मुझे, ठीक है, उसको समझना पड़ता है कि भाई ये बंदा तो पढ़ सकता है लेकिन पढ़ नहीं रहा है कुछ रीजन से, तो मैं उसे फिर ट्यून करता हूँ अपने हिसाब से, भाई नहीं पढ़ लो, ठीक है, ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, एक बार जॉब लग गई तो फिर सेकेंडरी चीज़ें पूरी करती रहो, कार खरीदो, बंगला खरीदो, धीरे धीरे सब होता है, हमने भी किया है, होता है, सो ये जरूर